आप सब लोगों से अपील है कि एक एक वोट मुजफ्फरपुर में अजय जी को पंजे के निशान पर वोट देकर के भारी मतों से जीता, और मुन्ना शुक्ला जी को वैशाली ने लाल टेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाया। चार पांच दिन पहले हमको कमर की हड्डी में चोट लगी, डॉक्टर ने बोला तेजस्वी जी बेड रेस्ट कर लीजिए आप, बोले 3 हफ्ता का बेड रेस्ट। हम बोले इतना में तो चुनाव ही खत्म हो जाएगा। बोले हम डॉक्टर साहब तेजस्वी अब बेड रेस्ट तभी लेगा जब मोदी जी को बेड रेस्ट करा देगा। मोदी जी जैसा भड़का झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा ना आपने देखा। जब देखो तो भाई बहनों, लेकिन मोदी जी ने बताया नहीं कि भाइयों के लिए क्या किया और बहनों के लिए क्या किया। भाई बेरोजगार हैं और बहनों के साथ हमारे देश में शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मणिपुर की घटना याद करो, महिला पहलवान का घटना याद करो, जो कर्नाटका में इनके सांसद ने 3,000 बहनों के साथ शोषण किया उसको विदेश भगा दिए। और भाषण आते देने भाइयों बहनों, मुद्दे की बात है कि असल में मुद्दा बेरोजगारी है। आज हम बेल्ट पहन करके हमको आना पड़ रहा है, शारीरिक दर्द है, पहन करके चले। देखिए सुइया लेके चलते हैं सुबह शाम, हमको अपना दर्द ज्यादा नहीं है। जो आप लोगों का बेरोजगारी का महंगाई का गरीबी का दर्द के आगे हमारा दर्द कुछ नहीं है। और जब तक तेजस्वी नौजवानों को रोजगार नौकरी नहीं दिला देता हम चैन से बैठने वाले नहीं है, आपकी लड़ाई लड़ने आए। चाहे कोई धर्म के भाई हो, कोई समाज के हो, कोई जात के हो, सबका साथ तेजस्वी लेकर के चलेगा। चाहे अगले पिछड़े अति पिछड़े दले महादलित आदिवासी अल्पसंख्यक भाई सबको साथ लेकर चलेगा। इस मंच पर हर एक जात के हर एक धर्म के लोग यहां बैठे हैं। हम लोगों ने टिकट सबको दिया, मुन्ना शुक्ला जी को दिया, आपको मुजफ्फरपुर से दिया, सब लोग कुशवाहा समाज के 7 लोग को टिकट दिया, चौपाल को टिकट दिया, हम लोगों ने वैश्य समाज से 3 लोगों को टिकट दिया, मुसलमान भाई को दिया, सब लोग हम लोगों ने काम किया। सभी रंग के लोग आपको मिलेगा, हर जात के लोग हर धर्म के लोग जो है दिखेंगे। उसलिए असल में सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है। मोदी जी ने क्या कहा था भाई बहनों, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाता में देगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी देगा, सब पक्का मकान बना देगा, किसानों का आय दुगुना कर देगा, चीनी मिल खुलवा देगा, चीनी मिल, महंगाई खत्म कर देगा, गरीबी खत्म कर देगा, हवाई अड्डा। बताओ हमारे एजेंडे में है मुजफ्फरपुर वाला। तो सुनिए, एक वादा अगर पूरा किया तो बता दो, एक वादा अगर पूरा किया मोदी जी ने, 40 में से 39 सांसद बिहार दे दिया उनको, हिसाब लो 39 लोग जो थे क्या किया भाई मोदी जी ने, क्या किया, कुछ नहीं किया। बिहार को ठगा, बोले कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बोले बिहार को विशेष पैकेज देंगे, कुछ नहीं मिला बिहार को। आज पटना में रोड शो करेंगे, अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, एक 34 साल के नौजवान ने रोजगार पर आपको जमीन पलाने का काम किया। नौकरी के मुद्दे पर कल सुन रहे 3-3 को रैली बिहार में, घबराए हुए हैं क्योंकि बिहार से के सफाया शुरू हो गया। अब कल आएंगे मुजफ्फरपुर भी आएंगे, सुनने में आएंगे तो पता है क्या बोलेंगे,
आए बड़ो मुसलमान हिंदू सनातन इस्लाम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान। अरे मोदी जी थोड़ा महंगाई का मौ बोलते, गरीबी का गौ बोलते, बेरोजगारी का बौ बोलो, खाली हिंदू मुस्लिम इतना साल से यही रट लगाए हुए हैं, इससे काम चलने वाला नहीं। अरे भाई नफरत की राजनीति करना बड़ा आसान है, लड़वा दो उसको, इधर भड़का दो उसको, इधर भड़का दो, लड़ते रहो और हम राज करते रहेंगे, बड़े आसान है। मोदी जी काम के नाम पे थोड़ा वोट लेके दिखा देता हूँ, मान जाए कमुआ के नाम पे वोट ले लो मोदी जी तब हम माने, ऐसे हिंदू मुसलमान करे से ना चलेगा। बिहार के लोग काम ढूंढेगा, काम नौकरी देखता, तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया अधीन कराया, 4.5 लाख लोगों को नियोजित शिक्षकों को राजकीय करने का दर्जा दिलाया, 17 महीने में 12.5 लाख लोग के नौजवान के भविष्य को सुधारा। प्रधानमंत्री जी आपने कितने को नौकरी, इतना गरीबी खत्म किया। बोलते हैं कि अनाज दिया अनाज दिया, अरे पहले तो अनाजों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, हम लोगों का सरकार आएगा तो 5 किलो क्या 10 किलो अनाज हम लोग, हम लोगों का सरकार बनेगा तो पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। माताएं बहनें दूर बैठी हैं, माताएं बहनें अगर तेजस्वी की आवाज अब तक आ रही है तो रक्षाबंधन से हर गरीब बहन को हमारी सरकार 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेगी, यानी हर महीने गरीब बहनों को 8,333 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर देंगे, मोदी जी 1400-1500 कर देंगे, गैस सिलेंडर है लेकिन गैसवा बढ़ा के हिम्मत के करो में नहीं, खाली रहता गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के क्या करो जब गैस ना रही तो, ये तो धोखा है रे, ये तो मोदी जी वही काम की कि अथवा फोड़ के चश्मा दे दिए, अब बोले तरह की चश्मा दिया, वाह मोदी जी वाह, तू तो झूठ ऐसा बोल रहा हो कि गोफर को भी हलवा बना दे लो, बड़का झूठा प्रधानमंत्री, बड़का झूठा पार्टी। इसलिए हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो है हम लोग आप लोगों को 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे, और अगली विरोधों को खत्म किया जाएगा, बता 4 साल का ठेका, 18 साल में ज्वाइन कीजिए पैसा में रिटायर हो जाइए, मूछो रहा कि रिटायर, और आधा टाइम ट्रेनिंग में बिया तो होगा नहीं, और पता है आप लोगों को अग्निवीर योद्धा में अगर कोई हमारा जवान भाई भारत माँ की रक्षा में शहादत दे देता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, बताओ शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जितने यार कई सिपाही लोग हैं वहां दरोगा लोग भी होंगे, जरा उनसे पूछना कि आप लोग पुलिस में भी अगर अग्निवीर योजना आ जाए 4 साल का तो क्या रहेगा, 4 साल में रिटायर हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा भाई, उसके बाद क्या काम करेगा लोग, कुछ नहीं, पकौड़ा तली तो हम लोग आए तो बाली धर निकाल रहे, हम लोग बाली निकाले तो चाचा जी पलट गए, हमारा
अपन सीट कुर्ती भी दे देता बाय इलेक्शन में लड़ जाए देर खोल के दिए उनको बेटा की तरह थे है कि नहीं यही ग्रेडुआ में आए थे क्या कहते थे तेजस्वी आगे सब देखेगा बढ़िया काम कर रहा है नौकरी दे रहा है यही मैदान यही दफ्तर पे ना बोले थे खैर चाचा जी तो हाईजैक ना होगा हमारा पूरा सम्मान इज्जत करेंगे आगे भी लेकिन आप सब लोग एकजुट रहिए मजबूत रहिए और अजय निषाद जी को जिताने का काम कीजिए तो जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा अरे पूरा ना हाथ उठा के ना बोलिए जिताइएगा उधर मुन्ना शुक्ला जी के पूरा आशीर्वाद मिलना चाहिए देखिए मोदी जी के लिए तो हम गाना भी गाते हैं अरे तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे जनता झूठ गई तो हाथ मलोगे कपूरा धोखेबाज हो कहाँ मुन्ना शुक्ला जी तेरा नारा दिए तख्त बदल दो ताज बदल दो किसका राज बदल दो अरे ऊंचा आवाज बोलिए हवा के नहीं आए क्या चलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद है आगे और भी कार्यक्रम में जाना है लेकिन मोदी जी आएंगे तो भैया लोगे सवाल जरूर पूछिएगा कि आपने बिहार के लिए क्या दिया मोदी जी आएंगे तो पूछना 5 साल आप बिहार को आगे कैसे बढ़ाओगे ये बात बताओ वो आएंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे और तेजस्वी और लालू जी को भरपेट गाली देंगे और कुछ नहीं करेंगे तो आप लोगों का आशीर्वाद रहे आप लोगों का साथ मिले तो है ना एक बार अपने बेटा भाई को आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग कुटवी की जनता जिंदाबाद 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 Thank you.